हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं कि मैं 4:05 बाकी था तभी उठ गई हूँ, और उठने के बाद देखिए मैं रूम से बाहर आ चुकी हूँ, और अभी देखिए अभी अंधेरा ही है। तो मैं अभी रात में 4 बजे ही उठ जाती हूँ सुबह, और ये मेरा रोज का रूटीन है। जैसे जिस दिन मैं जैसे सोती हूँ, जल्दी अगर सो जाती हूँ तो सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ। तो ये सब ना देखिए, अभी मेरा पौधा भी थोड़ा थोड़ा सूखा लग रहा है, कल मैंने पानी नहीं डाला था। तो अभी मैं चलती हूँ किचन, और अभी देख सकते हैं मेरा आँख लाल लाल दिख रहे हैं, लग रहा है कि और कितना सोऊँ। और मैं ज़्यादा सो जाऊँगी ना, फिर मेरे सुबह के काम भी जल्दी हो नहीं पाएंगे। तो देखिए, ससुराल में सुबह 4 बजे ही सुबह उठते ही लग जाती हूँ अपने काम पर। तो अभी चलिए मैं चलती हूँ किचन, और यहाँ पर देखिए मैं किचन आ चुकी हूँ, और अभी मैं गर्म पानी बैठाई हूँ इंडक्शन में। और अभी देखिए मैं ये भिंडी है, उसके मैं भुजिया बनाऊँगी, तो इसको भी मैं रखती हूँ। और सबसे पहले मैं फ्रेश हो लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना चेहरा धो लेती हूँ, और एक गिलास में अभी ठंडा ही पानी पीती हूँ। तो एक गिलास में ठंडा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ। और ये पानी पीती हो ना तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी मिलता है, तो इसलिए मैं हमेशा सुबह उठती हूँ, उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके और करने के बाद मैं रूम से बाहर निकलती हूँ, और निकलने के बाद एक गिलास पानी भी पी लेती हूँ। तो जिस दिन आरोही सोती है ना, तो उस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अगर या तो फिर सुबह मेरे साथ उठ जाती है तो फिर उसको सिलाने में लग जाती हूँ, तो इसलिए मेरे कभी कभी 5 भी बज जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं भिंडी काटती हूँ, और अभी भिंडी ना कम ही था, जो कि खुद का बाड़ी का था, तो पापा लाए थे शाम में, तो वही मैं अभी बून दे रही हूँ। और आलू कट करके और इसमें मिक्स कर दी हूँ, तो मेरा ज़्यादा हो गया। और अभी मैं गैस में ना मैं दाल भी बैठाई हूँ, तो अभी भुजिया और मेरा दाल बन के भी दाल में बैठाई हूँ, अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे मेरा भुजिया बन के तैयार हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं गैस में अभी बनाने जा रही हूँ पराठा। और ये ना अभी बहुत ही ज़्यादा धूप दे रहे हैं ना, तो पराठा वगैरह पूड़ी वगैरह खाने भी बिल्कुल भी मन नहीं करता, लगता है सादा सादा खाना खाएं। तो अभी बस आरोही का जीत था कि मम्मी हमको पराठा खाना है, तो यहाँ पे देखिए आरोही के लिए मैं पराठा बना दे रही हूँ, और बस आरोही के लिए, पापा के लिए भी नहीं। और यहाँ पे ना लाइट कटा हुआ था इसलिए थोड़ा सा अंधेरे टाइप में दिख रहा था, तो अभी लाइट आ गई है, और देखिए आरोही आ चुकी है ब्रश वगैरह करके सुबह का। तो अभी सुबह का वो नाश्ता कर लेगी, और उसके बाद ना मैंने घर में झाड़ू लगा लिया है, पोछा भी लगा लिया है, और जहाँ पे गाय बकरी रहते हैं ना वहाँ पर भी मैंने झाड़ू करके और गोबर जो होते हैं ना उसको भी मैं बाहर फेंक ली हूँ। और फेंकने के बाद ना यहाँ पे मैं सोची कि नहाने से पहले ये सभी काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है ना, कुछ भी करती हूँ तो फिर भी गर्मी लगने लगती है, तो सोची कि पहले ये सब। और ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ना, तो ये मैंने ना दो दिन ही पहले मैं इसको तोड़ के रखी थी, और देखिए अभी एक दिन में ही ये सूख गई है। और ये ना आटा चावल अभी मैं निकाल दे रही हूँ कुछ बनाने के लिए, रोटी वगैरह। और ये पत्ती जो मैंने ये की थी, तोड़ी थी, डंठल सब निकाल दी हूँ, बड़ा बड़ा वाले और छोटा छोटा वाला रहने दी हूँ। तो ये आरवा चावल में ना दे देती हूँ, क्योंकि आरवा चावल में अगर हम इस तरह से देते हैं ना पत्ते वगैरह, नीम के पत्ते, और ये कुछ है, इसको बोला जाता है हम लोग का यहाँ सिंधवार का पत्ता, तो वही मैं डाल देती हूँ ना, तो इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और जितने भी घर में चावल है ना सभी में मैं इसी तरह से डाली हूँ, और ये आरवा चावल में मैं नहीं डाली थी। तो अभी देखिए इसी को कल ही परसों तोड़ी थी, तो अभी मैं इसको सूख गया है, तो इसको तोड़ के अभी मैं, और ये जो देखिए हंडी में भी रखे हैं और एक बड़ा सा बर्तन में भी रखी हूँ, तो इतने सारे हमारे यहाँ भी आरवा चावल है। और ये आरवा चावल इतने सारे हंडी में भी रखती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें भी ना कीड़ा वगैरह जल्दी लगते नहीं है। उसके बाद ना हम लोग ब्रश वगैरह करके और नाश्ता कर ली हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी जो मेरे सो प्लांट है ना वो सूख जाते हैं, तो यहाँ देखिए आ रही का जितना भी बोतल पानी भर भर के रखती है ना, तो वही बोतल का पानी मैं इससे मांग रही हूँ, और यहाँ पे बोतल के पानी में सारा डाल दे रही हूँ। और ये सुबह शाम मैं डालती हूँ ना तो पौधे अच्छे दिखते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे छत में आ गई हूँ, तो यहाँ देखिए आ रही छत का सीढ़ी साफ कर रही है। नीचे लगाना जहाँ पे गंदा है, ये भी गंदा है ना।
तो यहाँ पे देखिए मैं अभी सरसों की पिटाई कर रही हूँ और हमारे यहाँ इस तरह से ही हाथ से पिटाई किया जाता है सरसों के, और ये काफ़ी दिन हो गए हैं रखे हुए तो टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए। और यहाँ पे फिर देखिए इतने काम करने के बाद भी मेरे पति देखिए मेरी पिटाई डंडे से कर रहे हैं, तो वही मैं बोल रही थी कि आज पिटाई करिए दीजिए, इतना काम करने के बाद भी अगर आप पिटाई करते हैं तो ये गलत बात है। तो बोलते हैं हस्बैंड जी कि मैं पिटाई नहीं कर रही थी, देख रही थी कि मार के तुम कितना जोर रोती है, तो मैंने मार के तो देखिए कि कैसा लगता है। और इनको ना पता भी नहीं था कि यहाँ पे कैमरा ऑन है, इसलिए वैसा वो मजाक से पिटाई कर रही थी हमारी, तो मैंने चलिए। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं कि मैं नीचे उतर चुकी हूँ और अभी तक मैं 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ, इतनी अभी धूप लगते हैं छत के ऊपर। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लगभग 10:30 ही बज रहे हैं, 10:30 या 10 ऐसे ही कुछ बज रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया कितने बज रहे हैं। इतने तेज छत के ऊपर हवा भी चल रहे हैं और धूप भी लग रही है ना, तो फिर मैं नीचे आ गई हूँ पानी पीने के लिए। और अभी अब नहीं जाऊँगी, बस अब नहाऊँगी और रोहित को भी नहा दूँगी। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, आप मेरा फेस देख के तो पता ही चलता होगा कि कितने ज़्यादा अभी गर्मी लग रही है। और अभी मैं अपना वीडियो भी एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो रहा है। तो फ्रेंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग अभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग से और भी रिक्वेस्ट है कि मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा वॉच टाइम भी बढ़ा दीजिए। आप लोग से बहुत ही उम्मीद है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मिलती हूँ अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं यूट्यूब फैमिली।